अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं अपने पीसी को या आप अपने पीसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वायरस से। ये विंडोज़ बेस्ड वीडियो है जिसमें हम विंडोज़ को टारगेट करेंगे, क्योंकि मैं विंडोज़ को यूज़ करता आ रहा हूं काफ़ी अरसे से। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट माई पीसी फ्रॉम डिफरेंट वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं वो आप फाइल्स को आप पीसी को स्लो कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस में एक तो मैं जो करता हूँ वो ये आती है कि आप अपने पीसी पे कोई भी एग्जी फाइल ना रखें। एग्जी फाइल अगर रखेंगे तो जो वॉर्म्स होती हैं, वायरसेस होते हैं, वो एग्जी फाइल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब आप एग्जी फाइल को रन करते हैं, आप तो सोच रहे होते हैं कि मैं ये प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ, इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो लेकिन उसके साथ ही वायरस जुड़ा होता है और वो आपके पीसी को डैमेज कर सकता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एग्जी फाइल्स अपने पीसी में ना रखें। तो इसका तरीका क्या हुआ कि आप अपनी सारी एग्जी फाइल्स को डिलीट कर दें? नहीं, इसका बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने पीसी में क्या करता हूँ। मैंने एक जो है वो कि मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में, मैंने एक डाउनलोड किए थे सॉफ्टवेयर, ये देखें मैंने सॉफ्टवेयर डाउन किया होता और इसकी एक्सटेंशन जो आ रही है वो .exe आ रही है। अब मैंने क्या करना है, इसको डिलीट भी नहीं करना और मैंने इसको अपने पास भी रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रीनेम करूँगा, राइट क्लिक रीनेम, और मैंने जाके .exe के आगे कुछ भी लिख देना है, जिस तरह मैं आप 1 लगा दूँगा और मैं अब इंटर कर दूँगा। मैंने इंटर किया तो ये कह रहा है कि इफ़ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल और यू शो यू वॉन्ट टू चेंज इट येस। तो अब देखिए मैंने इसको चेंज किया है तो ये फाइल इस तरह बन गई है, अब मेरी वो .exe फाइल नहीं रही, एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ वायरस भी वगैरह भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वायरसेस का काम यही होता है कि वो एग्जी फाइल्स को, मुख्तलिफ किस्म के असल में वायरसेस होते हैं जो एग्जी फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं, वो वाले वायरसेस से अब प्रोटेक्शन हो गई है। अब दूसरे वायरसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें जो है वो विंडोज़ जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देती है जो जिसका नाम है सिक्योरिटी एसेंशियल्स। बाकी जो हैं वो आपने काफ़ी सारे यूज़ किए होंगे एंटीवायरसेस, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन और फास्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल ही है। बाकी वायरसेस एंटीवायरसेस आप करेंगे तो उनमें एक तो उनकी आप करने से उन सिस्टम की स्पीड आपकी इफ़ेक्ट हो सकती है काफ़ी, दूसरा जो है वो कई तो पेड हैं, फ्री नहीं होते, इसकी लगातार अपडेट्स आप करते रहें। अपडेट की इसमें अगर मैं आपको ये टैब्स देखें इसके, तो इसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि मुख्तलिफ इसकी जो चीज़ें हैं, अगर इसको लगातार आप लोग अपडेट करते रहें और इससे स्कैन करते रहें तो कभी ये आपके पीसी पे कोई वायरस नहीं आने देगा। तो इसके ये टैब्स हैं मुख्तलिफ, इसमें अगर होम पे जाएं तो ये कह रहा है कि क्विक स्कैन करना है, फुल स्कैन करना है या कस्टम स्कैन करना है, वो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके ये पीसी को स्कैन करना शुरू कर देगा। अपडेट्स पे इसकी अपडेट देखते रहते हैं आप, देख रहना चाहिए कि कब आपने लास्ट अपडेट की थी, और इसको लगातार अपडेट करते रहना चाहिए, हर हफ्ते में एक दफ़ा, दो तीन दफ़ा, जैसे भी हो अपडेट इसको रखा करें। सर हिस्ट्री में वो बता रहा है कि मैंने कौन सी फाइल वगैरह जो मेरे पीसी में आई थी वायरस वगैरह रखे हैं या नहीं है। सेटिंग्स में आप जाके मुख्तलिफ इसके सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं, स्केजुअल स्कैन है, डिफॉल्ट एक्शन है, रियल टाइम प्रोटेक्शन है, एक्सक्लूड अगर फाइल्स को करना चाह रहे हैं तो आप ब्राउज कर से कह सकते हैं इसको कि इन फाइल्स को आप स्कैन ना करें, बाकी फाइल्स को कर लें। एक्सक्लूड फाइल टाइप्स भी कर सकते हैं आप, कि अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है फाइल्स को स्कैन करने में तो आप जो है वो उसको एक्सक्लूड भी करा सकते हैं सर्टन फाइल्स ऑफ टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो बाक़ी एक्सक्लूड प्रोसेस, एक्सक्लूड प्रोसेस है एडवांस में, आप सारी चीज़ की जो है वो बाकी सेटिंग्स चेक सकते हैं। अगर आपको नहीं इनको छेड़ना तो एज इट इज़ रहने दें तो भी सही होगा। तो उम्मीद है आज आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।
और मज़ीद आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जी अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।